सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, आत्मा का रहस्य। कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। उलझने को कई सवाल हैं, जिनके जवाब मिल पाना काफी कठिन है। कई बार सोने के बाद हमारे आत्मा परमात्मा से मिलकर आ जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। आज का सवाल है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। सोने के बाद आत्मा घूमने के लिए जाती है। अगर कोई बांध ले आत्मा को तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। कुछ भौतिकतावादी लोग इस वीडियो को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ होता नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है, आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरता है। कुछ पत्रिकाएं आपको यह बता सकती हैं कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन मित्रों अब तो विदेशी वैज्ञानिक भी आत्मा को सिद्ध कर चुके हैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में विस्तार पूर्वक से बात करने वाले हैं। एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना उसे हवा उड़ा सकती है और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा ही अमर रहता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा करते हैं। कभी तो आपने सोचे होंगे कि सोने के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब स्वप्न देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। हालांकि स्वप्न शास्त्र बहुत कुछ कहता है, पर वैज्ञानिक आज भी उलझा हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमिमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। सनातन ज्ञान कथा चैनल आप सभी को हार्दिक स्वागत करता है और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि कृपया, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, उन्हीं में एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुँचना का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान लें जो कि गति के संदर्भ में है। क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुँच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है और वहाँ से आने के मन नहीं करता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है, आप उनसे बातें की हो या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया है, वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी और प्रक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है और बहुत ही शुभ होती है।
आप यह सोचते हो कि आप अब यहीं रहे और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं, यानी कि आपका आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस दिन आप काम तन मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। कभी कभी आपका आत्मा आपका भविष्य भी देखा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है, उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपने कभी खुले आँखों से जो चीज नहीं देखे होंगे, वह आपका बंद आँखों यानी सोने के बाद आपका आत्मा देखते हैं। आपको भी कई ऐसे सपने आए थे कि वो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है, वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में जुड़ जाता है और वह कहां पर क्या हो रहा है, वह यह देख सकता है। कभी कभी हमारा आत्मा सोने के बाद वैकुंठ धाम भी दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं। और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है, उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या कहें कि वह उस स्थान पर यहीं से देख सकता है। इसी तरह का सपना एक बार मुझे भी आया था। हमारा बुआ का एक लड़का था और उसकी मौत गौर के दिन हुई थी। हमको नहीं पता था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसी दिन सपने में मैंने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि मैंने इसको फेक माना, लेकिन सुबह जब पता चला कि सच में बुआ के लड़के की मौत हो चुकी है, तो हैरान रह गया। हालांकि हर सपना सच नहीं होता है, 100 में से एक ही सपना होता है जो सच होता है, तो आप सपने देखने के बाद घबराएं नहीं, मन को शांत रखें। दोस्तों, यह तो केवल हम लोगों के साथ ही घटित होता है, ऐसा नहीं है। आपके घर परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपनों के अंदर भविष्य देख लिया है। आपको बता दें कि सारा भविष्य कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती हैं। दोस्तों, सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन, जो कि आपके शरीर का एक हिस्सा कहा जाता है, वह सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की चीजों को देखना और सुनना बंद कर देते हैं, और देखते भी हैं तो यह चेतन मन की मदद से नहीं होता है। कुछ लोग जो मर चुके और बाद में वापस जिंदा हुए, तो उन्होंने वो सारी बातें बताई जो उसने नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि वे अपने अचेतन मन से जुड़े थे। दोस्तों, आत्मा कुछ नहीं करती है, क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है, उसके अंदर कोई राग होता ही नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है, और उसके बाद हम सपनों के अंदर चलते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर, आपको पता होना चाहिए, यह नौविज्ञान से संबंधित गहन विषय है। इसका उत्तर बहुत विस्तृत है। आप इतना समझ लीजिए कि आत्मा कभी सोती नहीं है, हमेशा क्रियाशील रहती है जब तक वह शरीर में है। ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। वैसे तो इसका प्रामाणिक जवाब तो किसी के पास नहीं है, पर मैं अपने अनुभव और आत्मा के बारे में पढ़ने से पता चला कि आत्मा मस्तिष्क में सुई की नोक के बराबर एक सफेद रंग का चमकता एक बिंदु है, जो शरीर में हर जगह घूम घूम कर चेतना को बनाए रखती है। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं पर जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलभ है।
मतलब हर जगह पर उपलब्ध, लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के ढांचे के अंदर बंद हो जाने की वजह से आपको यह लगता है कि आप एक अलग इकाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। दोस्तों, सपने में तीसरी स्थिति यह होती है कि हम वर्तमान को हूबहू देख सकते हैं, जो वर्तमान में घटित होता है, और हम उसे सपने के रूप में देख रहे होते हैं। इस तरह के सपने हमें यह बताते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के सपनों के मेरे पास तो कई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। डॉक्टर अरुण कुमार लिखते हैं कि एक बार जब वे सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि सज्जन जी उसके पास आए हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद अचानक से लेखक की आँख खुलती है तो समय देखते हैं, यह रात का 3 बजा है। उन्हें समझ नहीं आता है कि यह सब कैसे हो गया और सज्जन जी का यहाँ पर आने का क्या मतलब। लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि सज्जन जी तो रात को 1 बजे ही मर चुके थे। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। दोस्तों, यह सज्जन जी की जीवात्मा थी। भले ही लेखक का चेतन मन नहीं जागा था, लेकिन अचेतन मन जागा हुआ रहता है, और यही वजह थी कि उन्होंने इसको एक सपने के रूप में देखा। जीवात्मा अचेतन मन से आसानी से संपर्क कर सकती है, लेकिन चेतन मन से संपर्क करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए तो देवता और दूसरी आत्माएं सपने के माध्यम से कुछ कहती हैं। चेतन मन की अपनी सीमा होती है और अचेतन मन की अपनी सीमा होती है। इसमें एक भौतिक होता है तो दूसरा सूक्ष्म होता है। सोने के बाद आप भूतकाल देख सकते हैं। आपको बता दें कि आत्मा एक सहयोगी है, यह मात्र सहयोग कर सकता है। इसके कारण संभव है सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। यहाँ पर हम भूतकाल के चर्चा कई उदाहरणों से देखेंगे। भूतकाल का मतलब होता है कि जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मन उन तक पहुँच नहीं सकता है। लेकिन अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुँचना आसान होता है। जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो उन सूचनाओं की बात करते हैं जो आपने अपने अनेक जन्मों के अंदर संचित की हैं। वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब आप सपने के अंदर होते हैं तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को आपको सपने के रूप में दिखाता है जो पहले ही हो चुका है। दोस्तों, इसी का तो परिणाम होता है कि हम कई बार ऐसी चीजों के सपने देखते हैं जिनके बारे में हम इस जीवन के अंदर कुछ जानते भी नहीं हैं, कहीं देखे भी नहीं होते हैं, वैसे सपने भी हम देख सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद जब उस महिला ने उस मंदिर को खोजने का प्रयास किया तो वह मंदिर उसे सचमुच मिल ही गया था। उसके बाद महिला को पता चला कि यह उसके पूर्व जन्म का स्थान था, इसीलिए उसे बार बार इस मंदिर के सपने आते थे। इसका यही मतलब था कि सपने के अंदर अचेतन मन उसे यह सूचना दिखाने की कोशिश कर रहा था, शायद यह जागरूक करने के लिए था। इसी सिलसिले के अंदर आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा अचेतन मन पूर्व जन्म की घटनाओं के अंदर पहुँच जाता है। मैं बहुत दिनों से यह जानने की फिराक में था कि मैं अपने पिछले जन्म के अंदर क्या था, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा था क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था। खैर, उसके बाद मुझे अपने प्रश्न का हल निकालने का एक तरीका मिला और मैंने सोते समय इस प्रश्न को बार बार अपने अचेतन मन से करना शुरू कर दिया और ऐसा रोज सोने से पहले करता था। लगभग 8 दिन तक लगातार करने के बाद मुझे एक सपना आया जिसके अंदर मैंने देखा कि मैं एक औरत हूँ और मैं एक काफी बड़े घर के अंदर जन्मी हूँ। अब जो मेरी माँ है वह उस जन्म में मेरी सास थी। हम लोग बहुत अधिक अमीर हैं। हालांकि मैं यह नहीं देख पाया कि उस औरत का मुंह कैसा था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यह जाना कि सोने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। असल में हमारा चेतन मन ही सोता है, अचेतन मन जागृत अवस्था के अंदर ही रहता है। इस संबंध में मैं आपको एक दिलचस्प घटना और सुनाता हूँ।
असल में हमारे घर के अंदर जब नेगेटिव ताकतों का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमें नींद नहीं आती है और हम काफी परेशान हो जाते हैं। रात को बार बार अचानक से आँख खुल जाना इसी बात का संकेत होता है। हमारे घर के अंदर देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। एक दिन हमने उन सबको उठाकर घर के बाहर बने मंदिर में रख दी थी। आपको बता दें कि हमारे घर के आसपास एक नेगेटिव ताकत है जो काफी समय पहले यहीं से होकर मर गई थी। और जहां नेगेटिव शक्ति होती है यानी भूत प्रेत होते हैं, वहां अजीब सा सपने आना आम बात है। वह प्रेत रूप में घूमती है। उसी दिन के बाद मेरे साथ गड़बड़ होना शुरू हो गया। मैं रात को सोता लेकिन बार बार मेरी आँख ना जाने कैसे खुल जाती। आज तक ऐसा नहीं हुआ था और आँख खुलने के बाद मुझे यह एहसास होता कि कोई यहाँ पर है, हालांकि मैं किसी को देख नहीं पाया था। नेगेटिव शक्ति हर कोई नहीं देख पाता है। मैं भूल चुका था कि यह सब मूर्तियों के कारण हो रहा है। यह 9 दिन तक होता रहा और मुझे ऐसा होने के पीछे कारण समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद 10वें दिन मैंने बार बार रात को नींद खुलने की वजह के बारे में सोचा और विश्लेषण किया तो पता चला कि यह मूर्ति के हटाने के बाद से ही हो रहा है। आपके घर में किसी भी देवी देवता के मूर्ति का होना कितना आवश्यक है यह तो आपने जान चुके होंगे। उसके बाद मैंने उन मूर्तियों को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहाँ पर वे पहले से ही थी। बस उसके बाद अपने आप मुझे नींद आने लगी। हालांकि इन सब घटनाओं से मुझे यह लगता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जब हमारे आभा मंडल को रात के अंदर भेदने की कोशिश करती है या उसकी तरफ आकर्षित होती है तो हमारा अचेतन मन चेतन मन तक यह संदेश पहुंचा देता है। यही वजह है कि हमारी आंख अचानक से खुल जाती है। हालांकि रूटीन के अंदर तो यह तय होता है, जैसे आप रोज 5 बजे उठते हैं तो आपका अचेतन मन आपको 5 बजे उठा देगा।